सावन माह के चौथे सोमवार को चरोदा से लेकर देव बलौदा तक आस्था का सैलाब देखने को मिला। भिलाई चरोदा निगम महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में निकाली गई कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल भी प्रमुख रूप से इसमें शामिल हुए और कांवड़ पद यात्रा कर प्राचीन शिव मंदिर में माँ अभिषेक व पूजा अर्चना की। नगर निगम भिलाई चरोदा के वार्ड क्रमांक 21 चरोदा बस्ती के प्राचीन कुआं से जल लेकर शिव मंदिर देव बलौदा तक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस दौरान महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में आयोजन का तीसरा साल रहा। इस वर्ष के कांवड़ यात्रा में विशाल शिवलिंग एवं भगवान शंकर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। कांवड़ यात्रा सुबह 11 बजे चरोदा बस्ती के 100 साल पुराना कुआं में पूजा अर्चना कर जल लेकर शिव मंदिर देव बलौदा के लिए रवाना हुई। हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे कांवड़ लेकर इसमें शामिल हुए। इससे पहले कांवड़ यात्रियों का जगह जगह स्वागत सम्मान किया गया। चरोदा बस स्टैंड में व्यापारी प्रकोष्ठ के द्वारा, स्टेट बैंक के पास ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा, काली मंदिर के पास, पदुम नगर गेट के पास, सिरसा गेट चौक में मुस्लिम समाज द्वारा और साथ ही जी के बिन में एवं देव बलौदा पहुँचने पर वहाँ नागरिकों के द्वारा स्वागत किया गया। पदुम नगर में कुर्मी समाज के राज प्रधान दुलारी वर्मा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। सिरसा गेट चौक में मुस्लिम समाज एवं सुजीत बघेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वागत किया। गणेश यादव एवं जवाहर बबलू यादव के नेतृत्व में क्रेन से विशाल पुष्प हार से स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा में दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल, पार्षदगण एवं जनप्रतिनिधियों सहित लगभग 5,000 शिव भक्तों ने हिस्सा लिया। ACN न्यूज के लिए चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।